बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज आपके लिए बहुत खूबसूरत पैटर्न लेके आई हूँ, जिसमें मैं कलर इस्तेमाल करूँगी पर्पल एंड लेमन। और जो मैं हुक इस्तेमाल करूँगी वो होगी 2.5 mm की। और धागा कट करने के लिए हमें कटर चाहिए होगा। वूल जो इस्तेमाल करती हूँ मैं वो 3-ply की होती है। आप भी कलर अपनी मर्ज़ी का लगा सकती हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा कलर लगाएं। 2 कलर में बनाऊंगी। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। आप जो मर्ज़ी हो, जो आपको पसंद हो वो कलर लगा लें। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेन बनाना शुरू करूंगी। यहां से स्टार्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि हम इसकी 70 चेन बनाएंगे। बड़ा थाल पोश बनाऊंगी 70 चेन के लिए। ये 10 बन गई हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 चेन हो गई हैं। ये देखिए नासरीन, 70 चेन मैंने लगा ली हैं। 70 चेन 10 इंच के बराबर हैं। हमारा बहुत बड़ा पैटर्न बनने वाला है, मेरे साथ साथ बनाइए। अभी इसका फर्स्ट राउंड शुरू करेंगे। 5 चेन यहाँ छोड़ूंगी, 1, 2, 3, 4, 5 चेन छोड़ के 6 चेन में 3 डबल क्रोशे लगाऊंगी। वन टू थ्री मिस करूंगी, 4 में लगाऊंगी। यहाँ पे हमने 5 चेन का गैप दिया है। वन टू थ्री, 3 चेन छोड़ देती हूँ। 4 चेन पे डबल क्रोशे लगाती हूँ 3 टाइम्स। यहाँ तक इसी तरह बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट रो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 3 मिस करके 4 में लगाए हैं 3 डबल क्रोशे, कोई चेन नहीं बनाई। यहाँ पे हमने बनाए हैं 20 डबल क्रोशे, 3 टाइम्स 20 लगे हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डबल क्रोशे 3 टाइम्स लगे हैं। 3 चेन छोड़ के 4 चेन में हमने लगाए हैं। और मेजरमेंट के हिसाब से 11 इंच बेस बनी है। इसमें हमें जो चेन चाहिए थी 85 चेन पे बना है ये। 70 मैंने आपको बना के दिखाई थी, कमी पड़ रही थी, हमने यहाँ पूरी कर ली। 70 के ऊपर हमने 15 चेन्स और बनाई। यहाँ पे 5 इस साइड पे छोड़ी हैं, 75 पे ये लगे हैं डबल क्रोशे 3 टाइम्स।
और मैं अगला राउंड अभी शुरू करती हूँ। यहाँ स्लिप स्टिच करूँगी। टू टाइम्स स्लिप स्टिच होने के बाद इस गैप में चले जाएंगे। यहाँ पे थ्री चेन बनाएंगे, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशे। इसमें कोई चेन नहीं बनेगी। बगैर किसी चेन के थ्री डबल क्रोशे लगाती जा रही हूँ। यहाँ तक पहुँच के फिर आपको यहाँ जो कोने बनेंगे, यहाँ पे कॉर्नर बनेंगे, वो दिखाऊंगी आपको। व्यूअर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब यहाँ से आपको बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे हम इनके कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पे थ्री डबल क्रोशे लगा लिए हैं, फाइव चेन बनाऊंगी, थ्री फोर फाइव चेन। इसी गैप में थ्री डबल क्रोशे फिर लगाऊंगी। फिर फाइव चेन, फोर फाइव चेन, फिर इसी गैप में थ्री डबल क्रोशे। ये कॉर्नर बन गए हैं, ये सेंटर हो गया है, ये दो कोने निकलेंगे यहाँ से। सेम कंडीशन से बनेगा अब। सिर्फ ये दो कॉर्नर हैं जिन पे फाइव फाइव चेन बनेंगी, बाकी सारा इसी तरह बनता जाएगा। हर गैप में थ्री डबल क्रोशे लगाऊंगी। यहाँ तक पहुँच के दिखाती हूँ आपको। देखिए व्यूवर्स, हमारी यहाँ तक राउंड पूरा हो गया है। यहाँ तक मैं आ गई हूँ। यहाँ से ये जो फाइव चेन बनाई थी इसमें थ्री डबल क्रोशे बनाऊंगी, टू थ्री। यहाँ पे फाइव चेन फिर बनाऊंगी, थ्री फोर फाइव। इसी गैप में फिर थ्री डबल क्रोशे। यहाँ पे कोई चेन नहीं बनेगी, डायरेक्ट इस गैप में चली जाऊंगी, थ्री डबल क्रोशे बनाऊंगी। फाइव चेन, थ्री डबल क्रोशे। यहाँ पे टू कॉर्नर बन रहे हैं, बाकी सारा रिपीट है। आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे थ्री डबल क्रोशे लगे फाइव चेन के साथ, सेंटर में थ्री डबल क्रोशे, फिर थ्री डबल क्रोशे इस गैप में, सिक्स डबल क्रोशे इस गैप में हो गए, सिक्स डबल क्रोशे इस गैप में हो गए। यहाँ सेंटर में, यहाँ नीचे वन है, ऊपर टू हो गए हैं। इसी तरह बढ़ते जाएंगे ये। यहाँ पे फाइव चेन मेंटेन रहेगी,
तीन से चार राउंड लगा के फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। टोटल रिपीट है, इस साइड पे कोई चेन नहीं बनती, इस साइड पे कोई चेन नहीं बनती, टोटल फाइव चेन यहाँ बनती हैं, फाइव चेन यहाँ बनती हैं, फाइव चेन यहाँ, फाइव चेन यहाँ। इस तरह मैं आपको इसके तीन चार राउंड लगा के दिखाती हूँ। वीवर्स देखिए, हमारे तीन से चार राउंड मैंने पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे हमारा ये सेंटर पार्ट है, ये हो गया है पूरा। अब इस पर हम दूसरा कलर लगाएंगे, उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ इसकी। यहाँ पे हमारे पास 14 इंच में तैयार हुआ है और सेंटर में यहाँ से हमारा 3.5 इंच तैयार हुआ है। इस पर अब मैं लेमन कलर लगाऊंगी, नया डिज़ाइन बनाऊंगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यकीनन आपको ये वाला पैटर्न मेरा समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इस पर लेमन कलर लगाऊंगी और उसका डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट कलर जोड़ रहे हैं। यहाँ पे बनेंगी 5 चेन, 2, 3, 4, 5 चेन हाफ क्रोशे से यहाँ जोड़ दूंगी। यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5 चेन फिर यहाँ लगा दूंगी। ये पूरा राउंड जो है पूरा चेनों का ही है। यहाँ पे 5 चेन बन गई, यहाँ पे 5 चेन बन गई, यहाँ बनाएंगे 3 चेन हाफ क्रोशे से जोड़ लेंगे, 1, 2, 3 चेन हाफ क्रोशे से जोड़ लिया, 1, 2, 3 चेन ये हमारा चेन वाला राउंड है पूरा। यहाँ पे फिर 5 चेन बनेंगी, 3, 4, 5 यहाँ पे हाफ क्रोशे से जोड़ दिया, 1, 2, 3, 4, 5 चेन यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे 5 चेन लगी हैं, यहाँ पे 5 चेन लगी हैं, यहाँ हमने 1, 2, 3, 4 हाफ क्रोशे लगाए हैं 3 चेन के साथ। यहाँ भी 1, 2, 3 यहाँ भी 4 हाफ क्रोशे लगेंगे 3 चेन के साथ, 1, 2, 3 चेन फोर हाफ क्रोशे हो गए हैं। यहाँ पे फिर लगाऊंगी 5 चेन, यहाँ पे इस गैप में नहीं लगाऊंगी, यहाँ एक गैप मिस करके इस गैप में लगाऊंगी। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ से मैं इसने स्टार्ट किया है, यहाँ पे 5 चेन लगाई थी, 5 चेन से खिंचाव आ रहा था, यहाँ पे हमने लगाई है 6 चेन, 6 चेन यहाँ पे लगाई है, 6 चेन यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे 4 चेन, पहले मैंने आपको 3 चेन का बताया था, 3 चेन से खिंचाव आ रहा था, 4 चेन कर दी है, ये 4 हाफ क्रोशे हैं 4 चेन के साथ यहाँ तक लगे, फिर 6 चेन के साथ यहाँ पे हाफ क्रोशे, इसी तरह बनता आया। 4 हाफ क्रोशे लगाती हूँ 4 चेन के साथ, यहाँ पे मैंने लगाई है 7 चेन, यहाँ पे हमने एक गैप मिस करना था और ये 2 गैप में लगाना था हाफ क्रोशे, इसलिए यहाँ पे 7 चेन बनाई हैं। अब यहाँ तक मैंने बना लिया है, यहाँ से बनाना सिखाती हूँ आपको। यहाँ से बनाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन, 6 चेन के साथ यहाँ पे हाफ क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन, 6 चेन के साथ इस गैप में
वन टू थ्री फोर चेन, हाफ क्रोशे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे सिक्स चेन हो गई, यहाँ पे फोर चेन, फोर हाफ क्रोशे यहाँ पे फिर बनेंगी, सिक्स चेन, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स चेन हाफ क्रोशे के साथ जोड़ दिया है मैंने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन, सिक्स चेन के साथ इस गैप में आ गई हूँ, वन टू थ्री फोर चेन। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, इसी तरह हाफ क्रोशे लगाऊंगी फोर चेन के साथ, इस सेंटर में यहाँ पे सेंटर में छोड़ दिया जाता है एक गैप, और यहाँ पे मैंने सेवन चेन लगाई हैं, यहाँ पे सिक्स चेन हैं, यहाँ पे फोर चेन हैं। अब राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए व्यूवर्स, मेरा चेन वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री चेन, थ्री चेन के बाद यहाँ पे डबल क्रोशे लगाऊंगी, टेन डबल क्रोशे लगेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन डबल क्रोशे यहाँ पे लग गए, इस गैप में चले जाएंगे, यहाँ भी टेन डबल क्रोशे लगाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट नाइन टेन, टेन डबल क्रोश लगा लिए हैं, यहाँ पे जोड़ दिया है, इसका एक कॉर्नर बन गया है, यहाँ फाइव चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव चेन, फाइव चेन के साथ यहाँ पे हाफ क्रोशे से जोड़ लूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव चेन, हाफ क्रोशे, यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे, वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट डबल क्रोशे लगा दिए हैं,
9, 10, 11। जैसे ये कॉर्नर बना है इसी तरह ये कॉर्नर भी बनेगा यहाँ से। फिर 5 चैन लगा के यहाँ आ जाऊँगी, 5 चैन लगाई यहाँ से यहाँ तक, फिर 5 चैन यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ बना इसी तरह यहाँ भी बनेगा। फिर यहाँ पे 20 चैन इसलिए लगी हैं कि ये दोनों कॉर्नर हैं। यहाँ पे इस कॉर्नर के लिए भी हमने 10 डबल क्रोश लगाए हैं, इस कॉर्नर के लिए भी हमने 10 डबल क्रोश लगाए हैं, इस कॉर्नर पे भी यही लगेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वो 10 डबल क्रोश का बनेगा। आपको मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से मैंने आपको बनाना सिखाया, यहाँ तक मैंने बना के दिखाया। ये कॉर्नर भी बन गए हैं दोनों। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक रह गया है। अब ये बना के फिर आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट राउंड जब शुरू करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। ये जगह पूरी बना के दिखाती हूँ, सेम कंडीशन से बन रहा है। यहाँ पे 10 डबल क्रोशे लगे हैं 5 चेन के साथ। यहाँ पे 5 चेन है, यहाँ पे 5 चेन है, ये देखें यहाँ पे 10 डबल क्रोशे हैं, हाफ क्रोशे के साथ जोड़ दिया, 5 चेन बनाई है यहाँ पे, 5 चेन यहाँ पे। यहाँ पे 20 डबल क्रोशे लगे हैं, 10 इस गैप में लगे हैं, 10 इस गैप में लगे हैं, यहाँ पे हो गए 20 डबल क्रोशे। पैटर्न की नीड यही थी। यहाँ पे हमने 5 चेन बनाई हैं, यहाँ पे भी 5 चेन बनाई हैं, सेंटर में यहाँ जाली बनेगी और ये पैटर्न बनेगा हमारा। यहाँ पे नया डिज़ाइन बनेगा जाली का, नेक्स्ट राउंड में जाली का राउंड बनाना सिखाऊंगी आपको। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। व्यूअर्स, मेरा ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। यहाँ से हमने सेकंड राउंड स्टार्ट कर लिया। यहाँ हमने 10 डबल क्रोशे लगाए हैं और यहाँ पे लगाए हैं हमने 5 चेन। यहाँ से ये सारा रिपीट राउंड था। नीचे भी 10 डबल क्रोशे लगे हैं, ऊपर भी 10 डबल क्रोशे लगे हैं 5 चेन के साथ। यहाँ नीचे 2 times 5 चेन लगी हैं, यहाँ पे 1 times 5 चेन लगी हैं। यहाँ पे हमने राउंड 3 शुरू कर लिया इस कलर में, 1, 2, 3। ये जाली वाला राउंड है, 1 चेन के साथ हमने यहाँ पे 20 डबल क्रोशे लगाए हैं। यहाँ पे कोई चेन नहीं बनी, इसी तरह 20 डबल क्रोशे 1 चेन के साथ। ये 10 थी, 10 डबल क्रोशे, 10 डबल क्रोशे के ऊपर 10 डबल क्रोशे लगे हैं 1 चेन के साथ। यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ मैं आपको जैसे ये 1 चेन के साथ मैंने बनाया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट करके फिर इसके ऊपर पर्पल लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। आइए तो ये बनाते हैं। ये 20 डबल क्रोशे हो गए हैं 1 चेन के साथ। यहाँ कोई चेन नहीं बनेगी, यहाँ मैं लगाऊंगी। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही लगा है, ये देखें यहाँ पे इसी तरह यहाँ भी लगा रही हूँ, ये लग गया। बहुत खूबसूरत चीज़ बन रही है। यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी, डबल क्रोशे 1 चेन, वन चेन लगाती हूँ, 1 डबल क्रोश लगाती हूँ। 20 डबल क्रोशे हैं साइड पे, ऊपर भी 20 डबल क्रोशे लगेंगे।
हमारे डिज़ाइन की नीड इतनी है। जैसे ये सारा बना है इसी तरह ये भी बनता जा रहा है। इसी तरह सारा बनेगा। आपको मैं ये सारा राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक, फिर यही चेन राउंड बनेगा ये, फिर मैं आपको दिखाऊंगी बना के। जैसे यहाँ पे लगी है 7 चेन, यहाँ पे लगी हैं 5 चेन, 5 चेन के साथ हाफ क्रोशे के साथ जोड़ती गई हूँ। इसी तरह इसके ऊपर भी यही डिज़ाइन बनेगा। मैं आपको ये वाला राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ। नाज़रीन, लेमन कलर का इतना डिज़ाइन बनाना था, ये कंप्लीट हो गया है। 4 राउंड लगे हैं, 4 इन 5 राउंड, 1 2 3 4, 4 राउंड लगे हैं। 4 राउंड में हमारा ये डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से पर्पल अटैच करूँगी और सेम इसी कंडीशन का मैं ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छा बना है। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये फर्स्ट राउंड था पर्पल, सेकंड राउंड जो डिज़ाइन बना है ये लेमन कलर। अभी हम देखते हैं कि हमारी मेजरमेंट कितनी हुई है। तकरीबन 16 इंच का हो गया है, लेंथ 16 इंच है, 6 इंच जो है वो चौड़ाई है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर पर्पल, पर्पल डिज़ाइन बनाऊंगी, आपको लगा के दिखाती हूँ पर्पल। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ से मैंने अटैच किया है 4 चेन, हाफ क्रोशे से जोड़ रही हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 लगे, यहाँ पे 5 चेन बनाई हैं, यहाँ पे 5 चेन लगाई हैं। यहाँ पे यही वाला भराई वाला राउंड यहाँ पे आएगा। ये दोनों जैसे यहाँ पे 10 डबल क्रोशे लगाए हैं, यहाँ पे भी 10 डबल क्रोशे लगाए हैं, यहाँ दोनों जगह पे 10 डबल क्रोशे लगेंगे। यही वाला जितना भी है यही रिपीट होगा इसके ऊपर। यहाँ देखें 1 2 3 4, 4 हाफ क्रोशे हो गए 4 चेन के साथ। सेंटर में बनाऊंगी 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन यहाँ पे लगाऊंगी। यही वाला डिज़ाइन जो है यहाँ सेंटर में भी बनेगा। यहाँ ये दोनों दो हैं, यहाँ पे एक बनेगा, इसके ऊपर 2 बनेंगे। इसी तरह ये चेन राउंड है सारा, इसी तरह चेने लगाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 4 चेन लगाई, 1 गैप मिस किया, यहाँ पे हाफ क्रोशे से जोड़ दिया 1 2 3 4 चेन, 4 चेन के बाद यहाँ पे जोड़ दिया हाफ क्रोशे के साथ 1 2 3 हो गए हैं, 3 चेन 4 चेन यहाँ पे लगा दिया, ये 4 हो गए हैं 1 2 3 4। ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ 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 ये सेंटर है 1 2 3 4 5, 5 चेन के साथ यहाँ पे लगा दिया।
वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे लग गया। हाफ क्रोशे से जोड़ती हूँ। इसी तरह ये पूरा चेन राउंड है, सारा चेन राउंड बना के फिर आपको भराई करना सिखाऊंगी। ये देखिए नाज़रीन, चेन वाला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन लगाना सिखाऊंगी। ये देखिए पूरा सारा चेन वाला राउंड था, ये पूरा हो गया है। यहाँ पे अभी मैं आपको यही वाला डिज़ाइन यहाँ रिपीट होगा। यहाँ पे हमने सिक्स चेन लगाई हैं, इसमें हम लगाएंगे 10 डबल क्रोशे। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया था। स्लिप स्टिच की मदद से मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ 5 चेन लगाई, हाफ क्रोशे से जोड़ा, 5 चेन लगा के हाफ क्रोशे से जोड़ा। यहाँ पे डबल क्रोशे लगाऊंगी 10 टाइम्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 हो गए। नेक्स्ट गैप में चली जाऊंगी, कोई चेन नहीं बनाऊंगी। यहाँ भी 10 लगाऊंगी। टेन डबल क्रोशे यहाँ पे, 10 डबल क्रोशे यहाँ पे, सेम कंडीशन से बन रहा है। जैसे यहाँ पे 10 क्रोशे लगे, यहाँ पे 10 लगे, टोटल 20 लगे। इन दोनों में 20-20 लगे हैं और यहाँ पे 10 लगे हैं। इसी तरह यहाँ पे 20 लगाऊंगी, फिर यहाँ सेंटर में 10 लगाऊंगी। यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ, इस राउंड तक पहुँच के, इस गैप तक पहुंच के दिखाती हूँ आपको। इस गैप में 10 बना लूँगी, यहाँ पे 20 बना लूँगी और यहाँ पे आपको बनाना 10 बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 10 यहाँ लगाए हैं, 10 यहाँ लगाए हैं, टोटल 20 डबल क्रोशे लगा लिए। यहाँ पे 5 चेन बनाई है इस गैप में, ये 5 चेन बनी है, ये 5 चेन बनी है और 1 हाफ क्रोशे यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे हाफ क्रोशे से जोड़ी 5 चेन और यहाँ पे डबल क्रोशे से फिर 10 डबल क्रोशे लगाए हैं। यहाँ पे सेम कंडीशन से यहाँ बन गए। यहाँ पे 5 चेन लगा के यहाँ पे मैंने हाफ क्रोशे से जोड़ दिया है। अब आपको मैं यहाँ पे बनाना सिखाऊंगी 10 डबल क्रोशे। 1 2 चेन लगी हुई है, 3 4 5, 5 चेन के बाद यहाँ पे हमने लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद यहाँ से हम डबल क्रोशे शुरू करेंगे। 10 टाइम्स लगाऊंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 7 हो गए, 8 9 10, 10 डबल क्रोशे हो गए। यहाँ पे हाफ क्रोशे से जोड़ दिया। ये देखिए इसी तरह ये सारा बना के मैं आपको राउंड पूरा करके फिर दिखाती हूँ। ये समझा भी देती हूँ आपको, ये जितना भी बन रहा है रिपीट हो रहा है,
यहाँ पे 10 डबल क्रोशे, यहाँ पे 10 डबल क्रोशे, यहाँ पे 5 चेन के साथ ये लगाया, यहाँ भी 5 चेन लगाई, 1 राउंड डबल क्रोशे बगैर किसी चेन के बनेगा, 2 राउंड डबल क्रोशे बगैर किसी चेन के बनेगा, 3 राउंड में 1 चेन के साथ डबल क्रोशे, 20 डबल क्रोशे लगेंगे 1 चेन के साथ। आपको मैं 2 राउंड लगा के फिर दिखाती हूँ इस डिज़ाइन को। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। सेम बना है, यहाँ पे 5 चेन हाफ क्रोशे के साथ जोड़ी थी, यहाँ पे हाफ क्रोशे से डबल क्रोशे, 10 डबल क्रोशे, यहाँ 5 चेन लगा के यहाँ आ गई हूँ। अब हम यहाँ पे जाली वाला राउंड बनाएंगे, ये वाला 1 चेन के साथ डबल क्रोशे लगाऊंगी। ये देखिए टोटल सारा कंप्लीट हो गया है, 2 राउंड मैंने पूरे लगा लिए। यहाँ नीचे भी 10 डबल क्रोशे हैं, ऊपर भी 10 डबल क्रोशे, इस गैप में भी 10 डबल क्रोशे, इसके ऊपर भी 10 डबल क्रोशे, सेम कंडीशन से बन रहा है। अभी मैं आपको बुनना सिखाऊंगी। 1 2 3 3 चेन है, इसको 4 चेन कर दूंगी, 1 चेन गैप के लिए है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें। कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा, देखने में भी बहुत खूबसूरत और बुनने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। वन चेन के साथ डबल क्रोशे लगा रही हूँ। सारा राउंड इसी तरह बनेगा। यहाँ सेंटर में कैसे मैं इनको जोड़ती हूँ ये देखें, यहाँ पे कोई चेन नहीं बनाती हूँ, यहाँ भी डबल क्रोशे लगा हुआ है, यहाँ भी डबल क्रोशे लगाती हूँ। अभी यहाँ पे बना के दिखाऊंगी आपको। यहाँ क्रोशे के ऊपर क्रोशे लग गया और यहाँ आ जाऊंगी, यहाँ लगाएंगे इस तरह, जैसे यहाँ लगा वैसे यहाँ लगा। अब इस पे भी 1 चेन के साथ सेम कंडीशन में बन रहा है। वन चेन डबल क्रोशे,
ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा राउंड, वन चेन के साथ डबल क्रोशे लगाती गई। यहाँ 20 डबल क्रोशे लग गए हैं वन चेन के साथ, यहाँ पे 10 डबल क्रोशे लगेंगे वन चेन के साथ, इसी तरह यहाँ भी 20 लगेंगे वन चेन के साथ। ये सारे 10 हैं, ये 20 हैं, यहाँ पे 2 डिज़ाइन हैं। जैसे यहाँ पे 2 बने, यहाँ भी 2 बन गए। इसी तरह मैं आपको राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसके ऊपर फिर हम येलो लेमन कलर लगाएंगे इसके ऊपर हम, और फिर बनाना सिखाऊंगी। इसके ऊपर फिर चेन का राउंड आएगा, चेन राउंड के बाद ये भराई वाला राउंड, उसके बाद फिर भराई वाला राउंड, फिर चेन वाला राउंड। 1 2 3 4 राउंड लगेंगे इसके इसके, ये 4 राउंड शुरू है, स्टार्ट है। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको चेन वाला राउंड बनाना सिखाऊंगी। व्यूवर्स, हमारे 4 स्टेप हो गए हैं, पर्पल लेमन पर्पल लेमन। ये रिपीट था, मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये बनाना सिखाया है, ये बनाना सिखाया है। अब देखें मेजरमेंट के हिसाब से, ये 20 इंच हो गया है लंबाई में, और चौड़ाई में ये हो गया है 10 इंच, 10 इंच चौड़ाई में है, और लंबाई में जो है वो 20 इंच हो गया है। अब यह हम भी बंद कर सकते हैं, आपकी जितनी टेबल हो उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं। यहाँ लेस बना लीजिए खूबसूरत सी, यहाँ बंद कर दें। अगर आपका टेबल बड़ा है तो आप इसके ऊपर मज़ीद पर्पल राउंड लगाएं। इसी तरह का पूरा 5 राउंड का एक डिज़ाइन बनता है, पर्पल लगाएं, फिर उसके ऊपर लेमन लगा लें, जितना मर्जी है बड़ा बना लें आप। अगर इसको अभी ये 20 इंच तैयार हुआ है, यहाँ तक 20 इंच है, तो इसको अगर आप 30 इंच करेंगे तो ये आपका पूरा पिलो कवर बन जाएगा। पिलो कवर का वन साइड बन जाएगी, दूसरी साइड पे आप सिर्फ पर्पल और लेमन को लगाएं और सादा 3 डबल क्रोशे से बनाएं, तो आपका बहुत खूबसूरत पिलो बन सकता है। टेबल मेट बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं, फुल टेबल का इसके बना सकते हैं कवर, और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं इससे, अगर आप इसको सेंटर से कम कर दें। इस तरह कम करके आप कुशन कवर भी बना सकते हैं इसके, बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत खूबसूरत लगता है। बनाने में भी आसान है, रिपीट पैटर्न है, जिस तरह ये बना इसी तरह ये बना इसी तरह ये बना। अब मैं इसके ऊपर पर्पल लगाऊंगी, वो भी सेम कंडीशन से बनेगा। सबसे पहले जाली बनाते हैं, यहाँ से हम जोड़ेंगे, यहाँ मैंने नॉट लगा ली है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे छोड़ दिए हैं, 1 चेन इसमें है, 2 3 4 5 चेन, 5 चेन के बाद हाफ क्रोशे से जोड़ देती हूँ, 1 गैप छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 चेन। सेम कंडीशन से बन रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी समझा देती हूँ। 1 2 3 4 यहाँ बन गए हैं, यहाँ पे 6 चेन लगेंगी, ये सेंटर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन के बाद यहाँ लगा दूँगी, 1 2 3 4 5 6 चेन।
गैप वही मेंटेन रहेगा, सिर्फ चेंज बढ़ाई हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बढ़ाई इसी तरह यहाँ पे भी बढ़ा दी। सिक्स चेन यहाँ लगी है, सिक्स चेन इस इन गैप में भी सिक्स चेन बनाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये गैप बनता है, ये भी सिक्स चेन का है। इसी तरह यहाँ भी सिक्स चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 5 चेन। हाफ क्रोशे से जोड़ देती हूँ 5 चेन बना के। यहाँ पे 1 2 3 गैप रह जाते हैं, इस पर 6 चेन बनेंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन, सिक्स चेन के साथ यहाँ जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन। टोटल रिपीट पैटर्न है, ये देखें कितनी खूबसूरत बनी है, लेस से कितनी खूबसूरती आ जाती है। ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जाली का राउंड कंप्लीट करने के बाद सेम ये इसी कंडीशन से बनेगा, फिर मैं आपको ये भराई फिर सिखा दूँगी। यहाँ पे 10 डबल क्रोशे लगाती हूँ, इस साइड पे भी 10 डबल क्रोशे। यहाँ ये सिंगल है, ये डबल है, दो जुड़वा हैं। कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशे इस साइड पे, 10 डबल क्रोशे इस साइड पे लगाते हैं, टोटल 20 क्रोशे हो जाते हैं। ये सिंगल है, यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशे लगाते हैं, यहाँ पे भी 5 चेन लगा के यहाँ लगा देते हैं। इसके भी इसी तरह भराई होगी, इसी तरह पूरा पैटर्न बनेगा, बिल्कुल सेम कंडीशन से बनेगा। आपको फिर भी बनाना सिखाऊंगी, यहाँ से राउंड पूरा कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, पर्पल राउंड हमारा चेन राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से फिर ये भराई वाला राउंड शुरू होगा, यहाँ से आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। फाइव चेन लगाऊंगी, 3 4 5 चेन, हाफ क्रोशे, 1 2 3 4 5 चेन, हाफ क्रोशे। यहाँ पे 6 चेन लगाई है, इसमें हम भराई करेंगे। 10 डबल क्रोशे एक साइड पे लगेंगे, 10 डबल क्रोशे दूसरी साइड पे। माशाल्लाह से बहुत बड़ा पैटर्न बन रहा है, आप भी बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि हमें बड़ा थालपोश बना के दिखाएं, टेबल मेट बना के दिखाएं। मैं उनकी फरमाइश पे ये बना रही हूँ, अल्लाह उनको खुश रखे और बनाने में आसानी पैदा करे। 2 4 6 8 9 10 यहाँ पे 10 डबल क्रोश लगा लिए हैं। इस डिज़ाइन को जितना मर्ज़ी है बड़ा बना लें, छोटे से छोटा भी आप इसको बना सकते हैं। ये डिज़ाइन ऐसा है, बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि इसकी आप बेडशीट बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं।
जैसा आपका दिल करे वैसा कलर लगाइए, फिर बनाते जाइए। बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टू की और ज़रूरत है, 9, 10 यहाँ 10 लगा लिए हैं। हाफ क्रोशे से यहाँ जोड़ देंगे, बिल्कुल सेम बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे बना, यहाँ बना, अब यहाँ बना 5 चेन 3, 4, 5 चेन 5 चेन के साथ हाफ क्रोशे से यहाँ जोड़ती हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड 5 चेन यहाँ पे 10 डबल क्रोशे लगेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हो गए 10। 10 डबल क्रोशे के बाद हाफ क्रोशे से यहाँ जोड़ देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये राउंड पूरा करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी। सेकंड राउंड भी बिल्कुल सेम कंडीशन से जाता है। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ, यहाँ से स्लिप स्टिच लगाई है मैंने 3 अदद। अब यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 चेन के बाद यहाँ पे लगा लूँगी। यहाँ से फिर डबल क्रोशे शुरू, 20 डबल क्रोशे लगाऊंगी। समझा देती हूँ आपको, यहाँ पे 20 डबल क्रोशे, यहाँ पे 10 डबल क्रोशे, ये रिपीट हो रहा है। जैसे ये बना 10 डबल क्रोशे, 10 डबल क्रोशे, 1 चेन के साथ 10 डबल क्रोशे, इस तरह का पूरा करके 1, 2, 3 राउंड, 1, 2 चेन वाला 3 राउंड लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अब इसके ऊपर और कलर लगाऊं या फिर हमारी जितनी नीड है उतना बन चुका है तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। इसके ऊपर कोई खूबसूरत लेस बना के फिर आपको दिखाऊंगी। अभी जितना ये पर्पल बना हुआ है इतना इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। 1, 2 डिज़ाइन बन गए हैं लेमन के, 2 डिज़ाइन बन गए हैं पर्पल के। सेंटर पर्पल है, एंड पे लेमन रखूँगी। अब मैं आपको इसके 2 राउंड लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। 1 चेन के साथ डबल क्रोशे लगाए हैं 10 टाइम्स।
मैं बस इतना ही बनाऊंगी, ऊपर इसकी लेस बनाना सिखाऊंगी आपको। आप अगर इससे मज़ीद बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह के इसके ऊपर फिर लेमन लगा लें, फिर इसके ऊपर ये वाला बना लें, जितना मर्ज़ी है बड़ा बना लें। मैं अब आपको इसके ऊपर लेस बनाना सिखाऊंगी। लेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने यहाँ से लेस स्टार्ट कर दी है। फोर चैन बनाती हूँ, हाफ क्रोशे के साथ जोड़ती हूँ, यहाँ तक बनाई है। बहुत खूबसूरत लग रही है। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 चैन। वन टू थ्री फोर चैन हाफ क्रोशे से जोड़ती हूँ। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना है। आपकी भी अगर कोई फरमाइश हो, मैंने अपने सब्सक्राइबर के फरमाइश पे ये बनाया है, आप भी फरमाइश करके मुझसे डिज़ाइन बनवा सकती हैं। फोर चेन बनाती हूँ, हाफ क्रोशे से जोड़ती हूँ। वन टू थ्री फोर। ये देखिए बहुत अच्छी लगेगी। आपको मेरा पैटर्न पसंद आए, मेरा डिज़ाइन पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को अपने दोस्तों में। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें। किसी चीज़ की भी परेशानी हो कमेंट्स में पूछें। पैटर्न अच्छा लगे तारीफ़ करें, मुझे खुशी होती है। फोर चैन बनाती हूँ, हाफ क्रोशे से जोड़ती हूँ। बहुत आसान एंड सिंपल। फोर चैन, वन टू थ्री फोर चैन। ये देखिए बहुत खूबसूरत। इस तरह की लेस आप दुपट्टे के साथ भी बना सकती हैं, स्लीव्स पे भी बना सकती हैं। आप इसको बड़ा करके बेबी ब्लैंकेट बना सकती हैं, कुशन कवर बना सकती हैं। आखिर में आपको मेजरमेंट बताऊंगी। माशाल्लाह बहुत बड़ा बना है। अब मैं आपको इसकी सारी लेस का राउंड पूरा करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी, मेजरमेंट बताऊँगी, फिर पूरा डिज़ाइन दिखाऊंगी आपको, पूरा पैटर्न फिर आप मिलके देखेंगे। चलें तो मिलती हूँ लेस कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी लेस कंप्लीट हो गई है, पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है। यकीनन आपको पसंद आएगा, बहुत खूबसूरत बना है। आपको मेजरमेंट भी बताती हूँ इसकी। पहले आप इसकी लेस देख लें, इसकी बनावट देख लें। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप भी बनाइए। मेजरमेंट दिखाती हूँ, ये देखिए 33 इंचेस में तैयार हुआ है। थर्टीन इंच इसकी चौड़ाई है और 33 इंच
23 इंच इसकी लंबाई है। 100 ग्राम मेरी इस पे वूल लगी है। आपको बड़ा बनाना हो तो इसी तरह के 3-4 राउंड और लगा लें, बहुत बड़ा पैटर्न बन जाएगा इसका। आप कुशन बनाएं, पिलो कवर बनाएं, बेबी ब्लैंकेट बनाएं, जो जी चाहे बना सकते हैं इसको, आप बड़े से बड़ा बना सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा पैटर्न पसंद आया हो, मेरे पैटर्न को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पैटर्न के बारे में ज़रूर अपना फीडबैक देना ज़रूर, और मुझे बहुत खुशी होगी आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा पैटर्न कैसा लगा। दुआओं में याद रखिए, फिर मिलती हूँ नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच।